अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया वास्ती। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और ऑल को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं हूं मारिया वास्ती और ये है आपका अपना गेम शो करोड़ों में खेल, जहां आप जीत सकते हैं बहुत सारे कीमती इनामात, हजारों लाखों करोड़ों तक पहुंचते हैं ये कीमती इनामात। लेकिन इन इनामात से भी कीमती क्या चीज होती है? आई थिंक वो है आपका अपना आप, लाइक आपकी लाइफ, आपकी सेहत, आपकी खुशी। जिंदगी में हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं? हम खुश रहना चाहते हैं, खुशी को अचीव करना चाहते हैं। और आजकल के जो हालात हैं, जहां हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जंग है, पेन है, तकलीफ है, वहां अगर हमें चंद लम्हे खुशी के मिल जाएं, लाफ्टर कहते हैं ना, इज़ द बेस्ट मेडिसिन, यानी कि सबसे अच्छी जो दवा है वो आपका लाफ्टर है, आपकी खुशी है, आपका मुस्कुराना है, आपका कहके लगाना है। आजकल की लाइफ में ये मौके ज़रा कम मिलते हैं और वो लोग जो आपको हंसा सकें, आपकी कोशिश होती है उन दोस्तों या उन लोगों के आप इर्द गिर्द रहें ताकि आप पॉजिटिव रहें। यू नो, आप जब हंसते हैं या आप खुश होते हैं तो आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ और होता है, और जो लोग डाउन एंड डिप्रेस्ड रहते हैं उनकी आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ मुख्तलिफ होती है। और जो भी वो काम करते हैं उसमें एक जो शख्स खुश है उसकी पॉजिटिव है, उसकी जो है जो चीज़ वो हासिल करना चाहता है या जो भी वो काम करता है उसकी परसेंटेज उससे बहुत ज़्यादा होती है अगर आपका मूड ख़राब है या आप कोई काम नहीं करना चाहते। हमारा शो जबकि सीरियस सवालों पे मबनी है, सीरियस सवाल और सीरियस इनामात, लेकिन कभी कभी हम बीच में कुछ ना कुछ स्पेशल करना चाहते हैं आप लोगों के लिए। तो हमारा एक कोई ना कोई एक एपिसोड होता है जिसमें हम किसी ना किसी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं और ज़रा हमें भी तो पता चले ना कि ये लोग कितने पानी में हैं, कितने सवालों के जवाब दे सकते हैं। लेकिन आज हमारे पास जो स्पेशल गेस्ट हैं वो एक नहीं बल्कि दो दो हैं, अ डबल डोज ऑफ लाफ्टर। जी, वो जहाँ पे भी होते हैं, वो लोग दोनों जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे खुशियाँ बिखेर देते हैं, कह के बिखेर देते हैं, डबल डोज ऑफ कॉमेडी। प्लीज़ वेलकम बरकत एंड उज़्मी। मुझे यही बस, मैं इसी का इंतजार कर रही थी कि ये मुझे कोई कहे और ये कौन मुझे और कब कहेगा। ये दुनिया कहती है आपके बारे में, हम नहीं कहते, बिकॉज यू आर सो पॉजिटिव। आप जो कहते हैं ना, मारिया की चेहरे पे इतना खूबसूरत क्यों है, इतनी रोशन क्यों है कि जिनका दिल रोशन होता है ना उनके चेहरे पे खूबसूरती खुद ब खुद आ जाती है। और फिर अगर आप थोड़ा सा मेकअप भी कर लें तो क्या बात है। वो आप मेकअप रूम में देख चुके हैं, आप ज्यादा मेकअप नहीं करती। और हमारी कुछ खवातीन जब शादी से आने के बाद जब मुंह धोती है, आप यकीन करें पानी में से आवाज आ रही होती है। आर यू श्योर यू वेंट रीसेट योर सेटिंग? हाँ बिल्कुल, प्लीज बैठिए, वेलकम, थैंक यू, थैंक यू। और इतनी ठंड में आपने बुलाया हमें जी, अभी बर्फबारी भी होगी, हमने उसका भी इंतजाम कर रखा है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा मारिया जी, मेरे समझ में पता नहीं लोग ठंडे मुल्कों में रहते हुए इतनी तरक्की कैसे कर गए, हमसे तो रजाई से बाहर नहीं निकला। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम है भाई। अब देखे एहतरामन कराची में सर्दी मना लेते हैं। मैंने कोई 6,500 का स्वेटर लिया, दुआ कर उसमें रुआ ना आए। कसम से मैंने, मेरी हसरत है कि उरूज पे सर्दी हो। अच्छा सर्दियों में इतनी धुंध पड़ती है, मेरी समझ नहीं आ रहा ऐसा कौन सा काम करूं जो नजर आ सके। क्या काम नजर आ सके? आप नजर आ सके, कुछ काम है जिनमें नजर नहीं आना चाहिए। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, मैं इसलिए बस सोच समझ के कर रहा हूं। कुछ काम है जिनमें मुंह छुपाए लेना चाहिए है ना। जब बलूचिस्तान से वो हवाएं ठंडी आएंगी तो उसमें आप प्लीज वो ये अपनी खुशी पूरी कर सकते हैं इन स्वेटर्स की। और चलगोजे, आपको पता है कि टमाटर चलगोजे तो बहुत महंगे हो गए, तो आप क्या कौन सा ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें? मैं बॉस, मैं ये कहता हूं कि आने वाले वक्तों में अल्लाह ना कर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुकिंग शोज में शेफ कहेंगे नमक टेस्ट के मुताबिक डाली, लहसुन अदरक और टमाटर अपनी औकात के मुताबिक। औकात के मुताबिक बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह महंगाई हो गई ना, असली शायद अगर किसी से मांग के खाया जाए तो सीना खुल जाता है और अगर खरीद के खाया जाए तो आंखें खुल जाती है। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, महंगाई जिस
कॉमेडियंस को रुला दिया है इसमें। हमारे मुल्क में जो होता है ना मारिया जी, वो दुनिया में कहीं नहीं, कहीं नहीं। ये बात देखें, टॉप फ्रॉम द बॉटम भी है हम लोग, है ना। लाइक हम लोग कोई भी काम करते हैं वो हम बेहतरीन ना कर सके तो बदतरीन कर लेते हैं। पाकिस्तान से बाहर देखे ना, हम पाकिस्तानी जो है ना जीनियस कॉम है, मैं कहता हूँ बिल्कुल जीनियस। अब पाकिस्तान से बाहर जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, तो मुख्तलिफ चीजों पर तहकीक कर रहा होता है। और हमारे मुल्क में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, पता क्या कह रहा होता है, मुझे लग रहा है मेरी वाली जो है ना नोमान से भी बात करती है। अब देखिए बाहर मुल्कों में जब कोई लड़की, मोहब्बत की बात कर रहा हूं, बाहर मुल्कों में जब कोई लड़की अपनी सहेली को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती तो सहेली कहती वाओ सो क्यूट सो हैंडसम सो डैशिंग। और हमारे मुल्क में जब कोई लड़की अपनी सहेली को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती तो मिलवाई हां तो सहेली कहती है इसको बोल लो हमें भूख लगी। ये होती है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ 20 रुपए के इजी लोड से भी टूटा हुआ दिल जुड़ जाता है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, ऐसा मुल्क कहाँ होगा भाई। हमारे WhatsApp पे ब्रेकअप हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, रिलेशनशिप शुरू होती है और वहीं पर खत्म भी हो जाता है। ये वो कौम है जो दीवार पे लिख देती है, दीवार पे लिखना मना। मैं कहता हूँ शादी के बाद अगर औरत खुश ना रहे तो बुढ़ापा आ जाता है, और अगर खुश रहे तो मोटापा आ जाता है। इसका क्या है फिर, उसको क्या करें, खुश ना रखें कि खुश रखें। अब लड़कियों का एक सोच डिफरेंट हो गई है। मैं कहता हूँ सर, आजकल की लड़की कहती है सास जो है ना मोहब्बत करने वाली होनी चाहिए, बेइज्जती तो हमें भी ठीक ठाक कर लेती है। अब तो बेइज्जती प्रूफ हो के आए ऑलरेडी घर से, वहां पे तो ना ना हो, कोई नई चीज हो, है ना। तो आप ये जो आप गर्लफ्रेंड वाली बात बता रहे हैं, मुझे लगता है ये आपके साथ हो चुकी है। नहीं मैं तो वैसा तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो इतना शदीद किस्म का जो हुआ है वो बताया ना यार, मतलब पर्दा उठा ले बता दें क्या हुआ। मैं तो यकीन करें मेरे रूम की तो बेडशीट भी डबल है, बस एक नई सिंगल तो मैं तो सिंगल। मैं कहता हूं शादी नहीं हुई भाई, शादी नहीं हुई, आई एम भाई शादी नहीं हुई। इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे शादी हो नहीं सकी, शादी कर नहीं सके। ये इश्क का जो समंदर है ये बड़ा अजीब समंदर है, जो डूब गया वो आशिक, जो बच गया वो दीवाना, और जो तैरता रहा वो है शौहर। हाय हाय हाय। तो आप क्या अभी मैं तैर रहा हूँ, आप तैर रहे हैं। He's married guy, और इसका घर में ये हाल है, जिस दिन इसकी बीवी इसको ना मारे उस दिन पूछता है जानू नाराज हो क्या। अच्छा इनके बारे में बता दूं, इनका नाम बरकत है, इनके घर गया मैं, इनके घर की मैंने बैल बजाई, बरकत में बरकत हुई। नाम बड़ा अजीब है, मैंने इनके घर की बैल बजाई, इनकी अम्मी बाहर है, मैंने कहा आंटी घर में बरकत है, कह रही शादी को 40 साल हो गए बरकत ही नहीं है, बरकत ही नहीं है। अब ये बात करने का मजा उन लोगों के साथ आता है जिनके साथ बात करने से पहले कुछ सोचना ना पड़े। बिल्कुल एकदम से मेकअप रूम में मैं अब्रप्टली बात कर रहा था, आप बात कर रही, मैं बात कर रहा हूँ, तो एक जहन मिला के चले भी शो अच्छा होगा, ये होगा, एक चीज होती है, तो जहन मिलना बहुत जरूरी है। और कैश मिलना भी बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो देखिए हमारे पास गिफ्ट मंजिल है, ऐश मंजिल है, कैश मंजिल, ये तीनों मंजिल है। बात मैं वही कह रही थी कि हमारा स्पेशल प्रोग्राम है, आयशा मंजिल नहीं, नहीं वो आप खुद तय करेंगे, वहां जाना है, आपने खुद ही तय करनी पड़ेगी वो आपको, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। ये वही रहता है ना, आयशा के हाथ में अलादीन का चिराग आ गया, जैसे चिराग रगड़ा 3 घंटे बाद जीना है, जिनसे कह आप इतना लेट क्यों है, जिनके कर मैं समझा पाओगे। आप तो बहुत भोले, आपको तो कोई भी बेवकूफ बना सकते हैं, ये क्या करेगा, स्टार्ट तो तेरे बाप ने किया था 100%। मेरा ख्याल है जल्दी शुरू करें, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत सारे इनाम नजर आ रहे हैं। इम्तिहान सवाल होगा आपके सामने, 4 ऑप्शन होंगी, आपने एक जो है जवाब जो है तुक्का भी हो सकता है, सही जवाब भी हो सकता है, वो पिक करना है। 3 आपके पास है जी लाइफ लाइंस, इतनी नहीं होती वैसे जिंदगी में, है ना, मौके मिलते हैं, हमने आपको मिली थी ना, इतने चॉइसेस नहीं मिलती भाई लाइफ में, बिल्कुल। तो आप देखिए 3 लाइफलाइंस आपके पास मौजूद हैं, आप इनका इस्तेमाल अपनी सिचुएशन के, अपने हालात के मुताबिक कर सकते हैं। 2 जवाब दीजिए, यानी कि आप एक ऑप्शन की जगह हमारे पास 2 ऑप्शंस लॉक करा सकते हैं, और अगर उन 2 ऑप्शंस में सही जवाब मौजूद हुआ तो आपका जवाब सही होगा, वरना गलत होगा। बिल्कुल। करोड़ों की कॉल, आप ये कॉल कर सकते हैं सवाल के जवाब में, किसी से अगर आपको मदद मांगनी हो बस 15 पे या किसी ऐसी जगह पे फोन मत कीजिएगा, या कि उनकी मदद करनी पड़े, किसी से बहुत अरसे से बात ना हुई, ठीक हो भाई मैं इस प्रोग्राम में बैठा हूँ क्या, यू नो। और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे कंटेस्टेंट्स जिन जो दोस्तियाँ खासतौर पर अपने बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन किया, जी अब तुम मेरी मदद करो, ये पता नहीं 150,000 का सवाल है, तो दोस्त ने बदला ले लिया, गलत जवाब इस कॉन्फिडेंस से बताया, वाह 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 और हरवा दिया। ये होता है, तो ये जो बहुत करीबी दोस्त होते हैं, मैं हमेशा अपने कंटेस्टेंट से पूछती हूँ कि ये बहुत करीबी बचपन का दोस्त तो नहीं है जिसके पास तुम्हारे राज और बहुत सारी चीजें दफन है, तो ये कई दफा मैंने देखा है। और बहुत से कुछ कंटेस्टेंट हमारे ऐसे आए जो अक्कड़ बकड़ करके जवाब देते हैं, लाइक लिटरली आई एम नॉट जोकिंग। फिर एक है जो कहेंगे कि मेरा नाम क्योंकि बी से शुरू होता है इसलिए मैंने ये जवाब चूज किया है,
तो बहुत इस तरह की चीजें होती है। फिर अजी सवाल तब्दील कर, आपको पता है तब्दीली का अच्छा जो हमारे पास इनामात हैं वो है जी, आप सही जवाब देंगे पहले सवाल का तो 5000 कैश है हमारे पास एक ही तरफ से, फिर ज्वेलरी सेट है और ये हम आपसे पूछेंगे कि कहाँ जाएगा ताकि बाद में कोई जहाँ जाए कन्फ्यूजन ना हो, है ना, बताना पड़ेगा। आप तो कहेंगे बेगम के पास। हाँ, ओके, सेफ, क्योंकि देखिए टीवी पे तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, कहीं आप गड़बड़ नहीं कर सकते। आप ब्रांडेड वॉच है रिबेल की तरफ से, 40 इंच LED है हमारे पास, आइसटेक की तरफ से ये गिफ्ट मंजिल है। आगे जाएंगे तो जी ऐश मंजिल है। आखिरी दफा कब ऐश किया था आपने? कैश होगा तो ऐश होगा, आजकल तो चैनल्स की तरफ से कैश ही नहीं हो रहा है, तो फिर ऐश कहाँ से होगा? यही तो आखिरी दफा याद नहीं आ रहा यार, याद ही नहीं, याद नहीं सी है तुम्हें, याद हो के ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा। वाह 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 वाह, कि मैं उसे बगैर मेकअप के देखना चाहता हूँ, मैं उसे बगैर मेकअप के देखना चाहता हूँ, मेरी हिम्मत तो देखो मैं क्या देख क्या देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है आपके साथ बहुत जुल्म हो चुका है, मुझे लगता है कि यू नो आप बात करते रहे ऑनलाइन किसी से, तस्वीर कोई और लगी हुई थी इसीलिए आप सिंगल ही चल रहे हैं। ये चलते रहेंगे। अच्छा जी, छठा सवाल, सही जवाब देंगे तो 150,000 कैश है आपके लिए। सातवां सवाल, 250cc बाइक जीत सकते हैं। आठवां सवाल, लग्जरी बेडरूम सेट डबल है। ओके ओके ओके, वो अच्छा मुझे देख के इन्होंने ऐश मंजिल में हमने इसीलिए रखा है। अच्छा, कैश मंजिल में आप चलेंगे तो जी उमरा पैकेज है, आई थिंक हो गया होगा ये वक्त आपकी जिंदगी में आ गया होगा जाके। मुझे देख के तो वैसे लोग समझते हैं उमरा ही करके आ रहे हैं, उमरा उमरे पे ही हैं आप, है ना? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया अभी। अच्छा ओके जी, दसवां सवाल, 30 तोला चलगोजा या टमाटर? ये पहले पूछ लें और कोई आसान सा सवाल कीजिएगा जिसमें मिल जाए, चलगोजा और टमाटर क्या बात। 30 तोला सोना या चलगोजे ले लें या आप हम आपको टमाटर दे सकते हैं, ठीक है। ग्यारहवें सवाल पे, आप तो फूल की जगह बेगम के लिए लाते हो ना टमाटर, मैं तुम्हारे खास तौर पे टमाटर लेकर आजकल तो टमाटर के सेट लेकिन शादियों में दिए जा रहे हैं। हां बिल्कुल, एक हमारी बहुत बड़ी हीरोइन है मारी जो नाम नहीं लूंगा, इसने उनको फूल दिया ना तो उन्होंने ऐसी खुशी में इसको हक कर लिया, ये भागने लगा, वो कह रही कहाँ जा रहे हैं, कह रहा 10 मिनट रुके गुलदस्ता लेकर आता हूँ। वो हीरोइन का भी मेकर रूम में बात हो रही थी, पड़ गए या गले पड़ गए या गले मिले या गुलदस्ता नहीं मिला। वो हीरोइन जिसकी मेकर रूम में बात हो रही थी, कुछ रह गया अभी जी। अच्छा जी, 12वां सवाल, वी हैव अ मर्सिडीज फॉर यू, फ्यूल के बगैर आपको पता है पेट्रोल ज्यादा महंगा है, ये दुआओं से चलेगी बस, भेज देंगे। और फिर हमारे पास अगर आपने 13वें सवाल तक पहुंचे अल्लाह करे तो फिर एक अपार्टमेंट भी है हमारे पास। 13वां सवाल पहले पूछ सकते हैं आप? हां 13वां सवाल, 13वां सवाल बिल्कुल पूछ सकते हैं हम आपसे और उसका कोई सही जवाब नहीं मानेंगे आप, चाहे आप सही जवाब दे रहे हो। पहले ही से पूछ रहा हूं पहले से। अच्छा तो आखिरी दफा इम्तिहान कब दिया था आपने? आपसे नहीं पूछ रही, सॉरी। मैं कहता हूँ कभी टेस्ट ना दो क्योंकि बेइज्जती की 2 मार्क्स से इज्जत के 0 अच्छे हैं। हां 0 अच्छे हैं। एजुकेशन इज अ पावर बट को एजुकेशन इज अ सुपर पावर, सुपर पावर मेरा ऐसा मानना है। हाँ। नहीं हम तो एग्जाम में ये सोचकर पेपर खाली छोड़कर आ जाते थे, कहीं टीचर ये ना समझे कि आगे से जवाब देता है, रिस्पेक्ट योर टीचर। बदतमीज वाकई। बिल्कुल सही बात है, जवाब ही ना दे। जवाब और हम तो स्कूल बड़ों, बड़ों को जवाब नहीं दे रहे थे। हम तो स्कूल से सीधे घर आते थे, घर आते ही मुर्गा बन जाते थे, अबू कहते थे बेटा मुर्गा क्यों बने, मैं कहता था वो आप ही तो कहते थे जो काम स्कूल में करते हो वही घर में करो, है ना? बिल्कुल वही है, स्कूल के 2 ही दिन अच्छे होते हैं, मैं आपको पहला दिन और आखिरी दिन बस। सही है, है ना? स्कूल जाना भी अच्छा लगता था और वापस आना भी, बस वहाँ ठहरना बुरा लगता। बस बाकी 2 चीजें तो चल रही थी ना। अच्छा, हम स्कूल में हम लड़कों के साथ शुरू से गलत हुआ, अभी आप शायद बात से एग्री करें, जब हम लड़के क्लास में बातें कर रहे होते थे टीचर्स कहते थे आप लोग शोर करो चलो बाहर निकलो, और जब लड़कियां क्लास में बातें कर रही होती थी टीचर्स कहते थे अभी क्या बातें चल रही है, पता चले। अब लड़के लड़कियों की सोच अलग है, लड़कियां एग्जाम में सोचती है कहीं क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ना आ जाए, लड़के क्या सोचते हैं यार कहीं रोल नंबर फर्स्ट बेंच पे ना आ जाए, नकल नहीं हो पाएगी, नकल नहीं हो पाएगी। अच्छा, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में होता था वो टीचर आती थी और वो स्वेटर बुनना शुरू हो जाती थी, यकीन करें स्वेटर बुनती थी। हम कहते थे टीचर जो स्कूल में आया जो अभी दुनिया में आया नहीं है उसकी तैयारी कर रही है, जो आगे उन्हें तो पढ़ा लें, उन्हें तो पढ़ा लें। तो आजकल क्या करती है गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स, आजकल गेम खेलते हैं? नहीं आजकल का पता नहीं मुझे, अब हम तो अपने 90s की बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में जो होता था फोन पे गेम। हाँ, एक पंखा होता था उसके 2 पर होते थे, वो भी टेढ़े। सरकारी स्कूल में पढ़े ना आप, मुमासलत और जो आप दोनों के अंदर एक जैसी बातें वो क्या है? जहालत का अपना मजा है मारिया। हाँ सही कह रहे हैं आप,
कहाँ कहाँ आपने एंजॉय की जहालत, क्या कहाँ कहाँ की बताओ भाई, आज तुम्हारा ये आखिरी है, आज मैं फंस गया। मारिया जी आज ना अच्छा दूसरे मूड में, मैं समझा था मैं तीसरे मूड में, मैं समझा तो आज अच्छा जरा आप आते हैं जी गिफ्ट मंजिल का, अभी जरा देखें क्या होता क्या है, आप भी जरा अपने आप को आजमाएं, वैसे तो आप लोगों को आजमाते रहते हैं जी जी अपने ह्यूमर से। गिफ्ट मंजिल है पहला सवाल है, 5000 कैश के लिए ये सवाल है हे की तरफ से, और ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर अब आएगा। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इजलास में पाकिस्तानी परचम पहली बार किसने पेश किया था? कायद आजम ने, लियाकत अली खान ने, फातिमा जना ने या अहमद जी छागला ने? पाकिस्तानी परचम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के इजलास में सबसे पहले पाकिस्तानी अहमद जी छागला तो नहीं है, ये तो ये तीनों में से सोचो, कायद आजम, लियाकत अली खान, फातिमा जना, इन तीनों में से सोचो। अहमद जी फातिमा जी ना बी बी लग रहा है, बी कायद आजम और लियाकत अली खान, इन दोनों में से कोई एक सोचो। अच्छा कायद मेरा ख्याल है बी, कायद नहीं नहीं लियाकत अली खान, लियाकत अली, मुझे लगता है आप लोग एग्री नहीं करेंगे किसी एक ऑप्शन पे, लियाकत अली खान, लियाकत अली खान ठीक है, लियाकत अली खान जी जी। क्यों आपको ये क्यों लग रहा है कि उन्होंने ये काम किया होगा? क्योंकि देखें कायद आजम तो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, बिजी होंगे उस पर, ठीक है हां जाहिर सी बात है बिजी होंगे, और फातिमा जना को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिली होगी, पहले वजीर आजम लियाकत अली खान, लियाकत अली खान, लियाकत अली खान, लॉक करें इसको, लॉक करें जी बिस्मिल्लाह, लॉक करें जी, ऑप्शन बी लियाकत अली खान, लियाकत अली खान को लॉक, मेरा मतलब है ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। पाकिस्तानी परचम सबसे पहले किसने पेश किया था? लियाकत अली खान, बताइए जवाब सही है कि गलत है? मैं समझा सही कह रहे हैं, और ये सही जवाब, यकीन नहीं था वैसे आप दोनों को भी है। 5000 कैश, 5000 अब तो याशी है, सिक्योरिटी गार्ड भी दे इसके साथ, बिल्कुल बिल्कुल अब तो याशी है, अब तो कैश है ऊपर से, कैश, वाह वाह वाह, इंसान चेक नहीं है जो कैश नहीं होगा। हां हां, मैं कहता हूं इंसान कहता है पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊंगा, हाय हाय हाय, है ना, वाह वाह, कितनी अच्छी बात मैंने पढ़ी, बस इसी कश्मकश में अब पैसा आ गया ना, अब हम कुछ करके दिखाएंगे, हम अपना शो करेंगे आप जैसा, बिल्कुल सही, बस काफी है इसमें हो जाएगा 5000, है ना, आप तो मेरा मतलब है कि कहीं पर भी शो शुरू कर सकते हैं ना आप लोगों के, हमें तो ये सारी चीजों की जरूरत होती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, शो ऑफ है, नहीं आप एक स्टार्डम है ना, एक स्टार्डम वाला तो ज्यादा आप साथ में होगी तो जरा सपोर्ट मिल जाएगा, मैं भी आके ज्वेलरी सेट्स, ये बताएं कि अगला जो सवाल है वो ज्वेलरी सेट के लिए है, तो ये मैं एक बाबू इनकी बेगम को भी शौक नहीं है ज्वेलरी सेट का, लेकिन बहुत सादा खातून है, लेकिन फिर हम तो बेच देंगे, हम बेच देंगे इसकी बीवी के लिए, आप मुझे होता ना ये कब बता ना, क्या गोल्ड जो मांग रही थी भाभी आपसे वो किस्सा सुनाओ, हाँ तो मैंने गोल्ड लिप लाके दे दी, सही है, ओके जी गोल्ड की चीज दो। अच्छा ये जो ज्वेलरी सेट है ना ये वो तालीम एक जेवर होता है, ये वो वाला है, ओ अच्छा अच्छा, आपने कहा ना जहालत बहुत है, तो मैंने कहा शायद आपको किसी चीज की जरूरत हो तो वो आप अपने आप को से रास्ता कर हमारी ये पंच आपको याद रहेगा जालत वाला नहीं बाकी सारी चीजें मुझे नजर आ रही हैं, तो इसी को सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, एक चीज को पकड़ लो और उसकी सामने वाले कैसे की तैसी कर, ये एक बात सच है कि बच्चे कौम का सरमाया है, बिल्कुल सरमाया है आपके, कितने तो फिर हुकूमत सरमाए में इजाफे से परेशान क्यों है, बिल्कुल है तो हुकूमत पर टैक्स लगाए जा रही है, बस बताएं आप मुझे बताएं क्यों है वैसे, हां बताएं आपने आपने छेड़ा आप बताएं, मैंने कहा आप बताएं ना, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम भी कोई सवाल पूछ रहे हैं आपसे, नहीं 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 आज जुमेरात नहीं है, आज हम ही चले तो ये नहीं हो सकता, ज्वेलरी सेट है हमारे पास आपके लिए, और वाकई ये क्यों वैसे है ना सरमाया अगर है तो असल में बच्चों की इन्वेस्टमेंट जहाँ होनी चाहिए वहाँ पे नहीं हो रही ना, तो इसलिए जो जिस चीज में बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए दैट इज योर एजुकेशन, वो उसमें नहीं हो रही है, बिल्कुल, तो इसलिए जो है अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि आप कहते हैं कि जी पूरी दुनिया में मुसलमान यू नो एक बड़ी मेजॉरिटी में है, यहाँ तक कि अब आपके जो रिलीजियस लीडर्स हैं उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई आप ज़रा थोड़ी एहतियात करें, बिकॉज जब आप बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते, उनको रोटी नहीं दे सकते, और आपकी लाइक अभी हमारी प्रोसेस में है रियासत मदीना बनने में, बिल्कुल थोड़ा टाइम है, ये वेलफेयर सोसाइटी, तो तब तक इट इज़ वेरी सैड दैट वी सी दैट बच्चे जो हैं वो उनको आपने इर्द गिर्द देखे मोहल्ले में देखे लाइक बहुत अफसोस होता है, तकलीफ होती है ये चीज़ देख के ना उनको एजुकेशन मिल रही है ना उनको पेट भर के खाना मिल रहा है, अब वो इस तरह बड़े हो गए तो क्या होगा बड़ा खतरनाक ऐसी जवानी आई अल्लाह नहीं एक बच्चे का कहना या तो हमें मुकम्मल चालाकियां सिखाई जाए या फिर मासूमों की अलग बस्तियां बिल्कुल चालाकी नहीं है
इसलिए बड़े हो गए, इसलिए कम पे बहुत पहले बड़े हो गए बच्चे तो अब बचपन में ही बड़े हो जाते हैं सीधा। नहीं आजकल के बच्चे आप देखिए वो दौर नहीं जब हम बच्चे थे तो हमें बच्चे कुछ नहीं है। हाँ अब जो बच्चे हैं वो पैदाइशी तौर पे 40 साल के हैं बिल्कुल उनको ज्यादा बताना नहीं पड़ता वो आपको बताते हैं, वो बता रहे होते हैं। ज्वेलरी सेट के लिए सवाल है राज ज्वेलर्स की तरफ से, ये एक ज्वेलरी सेट है आपके लिए और गिफ्ट मंजिल का ये दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर अब आएगा। पाकिस्तानी मूवी सुपरस्टार में मायरा खान के साथ कौन सा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल था? अरे यार बहुत आसान है, हमजा अली अब्बासी, अली रहमान, हुमायूं सईद, बिलाल अशरफ। हुमायूं सईद भी नहीं, अली अबे ये तो वो जिस पॉइंट से है ना। हां देखी थी आपने कि नहीं? हां मैंने प्रोमो देखे, मैंने देखी थी, बिलाल था, लड़का बड़ा अच्छा लग रहा था और मायरा भी अच्छी लग रही थी। ये भी शादी नहीं कर रहा? नहीं मैं कर रहा, क्या हो गया? नहीं और भी वजह हो सकती, और भी वजह हो सकती है, आप जो सोच रहे वो भी ठीक है। अच्छा नहीं मेरे गलत है, अच्छा बिलाल, आई थिंक बिलाल अशरफ, नहीं नहीं अब है कंफर्म बिलाल अशरफ। हां मैंने प्रोमो भी देखा। अच्छा आप फिल्म, आप लोग फिल्म कब कर रहे हैं? वो वाली फिल्म? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिनेमा में चलती है। जी जी हमने एक फिल्म लिखी है उसमें साहब आपको आगे बताएंगे। जी 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 हमने लिखी है और हमने दी हुई, दो साल हो गए उसको लिखे, दो साल हो गए तकरीबन। और हमने खुद ही पसंद नहीं आपको आ रही ऐसा तो नहीं ये सोच रहे हैं कि लिखी क्यों है। अच्छा ये पुरानी फिल्मों में ये जो जहर होता था ये इतना गैर मियारी होता था कि हीरोइन जहर पीने के बाद भी पूरा गाना परफॉर्म करती थी और डायलॉग जो पूरा मरते 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 पूरा 8 पेज का डायलॉग होता था पूरी वसीयत कर। अच्छा आपको पुरानी फिल्मों में सबसे मुश्किल काम क्या होता था? क्या? गवाह को सही सलामत अदालत तक पहुंचाना। वो नहीं तो अभी भी है। रास्ते में गुंडे आ जाते थे। हाँ, कहीं दरख्तों के पीछे थे, पाइप के पीछे थे। ये फिल्मों में जब हीरोइनों को तलाक होती तो इसकी इद्दत पूरी क्यों नहीं करती है? पता नहीं क्यों नहीं करती। 2 घंटे में कहां इद्दत पूरी हो गई? फिर ठीक है, मैं ऐसे सवाल आया मेरे दिमाग में, 2 घंटे की फिल्म है उसमें इद्दत हो गई ना? आपने टाइम, आप क्या चाह रहे हैं रियल टाइम में फिल्म चले? मारिया जी इसका जवाब है बिलाल अशरफ डी। ये तो आपने जवाब भी दे दिया फिर। हाँ ऑप्शन डी, चले ऑप्शन डी को लॉक करें। वेरी गुड ना, वेरी गुड। इसमें आप लोगों ने ज्यादा बहस नहीं की। अच्छा लगा ये पता, ये देखा है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि बिलाल अशरफ और नहीं बिलाल अशरफ। बिल्कुल कंफ्यूजन बनती है इन सब के अंदर, इन चारों में काफी कंफ्यूजन है। ऑप्शन डी आपने कहा है, बताइए हमें सही जवाब है गलत। और ये सही जवाब है। अच्छा तो आपके जो फिल्म है उसके अंदर हीरो कौन है आपसे और हीरोइन? नहीं हीरो तो कोई और ही है, कोई और ही है। हम हीरो होंगे तो फिर हाँ मतलब तीन भाइयों की कहानी है। अच्छा, तो जिसमें हमने कोशिश की कि दो भाई हमें और एक बीच में कोई हीरो फिल्म शुरू होगी, पर्दे पे आएगा, पहले सीन में गोली लगी मर जाएगा, हीरो तो मर गया। अब विटनेस को पहुंचाना है हमने अदालत तक, है ना? ये है पूरी फिल्म, चले देखते हैं अल्लाह मालिक, अल्लाह जो बेहतर समझे। जी ठीक है। अच्छा जी तीसरा सवाल है ब्रांडेड वॉच के लिए, वक्त के पाबंद तो आप मुझे लग रहे हैं या वक्त आपका पाबंद है? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के पाबंद है, कोशिश करते हैं। मैं तो बहुत हूँ भाई को जहाँ पहुँचना होता है बस, भाई मेरी वजह से वक्त के पाबंद हो गए, लेट हो जाते हैं। नहीं लेट जाते हैं, क्या होता है, कहाँ लेट जाते हैं? आप हर जगह जाते हैं, हर सेट पे लेट जाते हैं, लेट ही जाते हैं। बड़ी अच्छी बात की। अच्छा वो ये ना कि जब लेट शादी करने का सबसे बड़ा फायदा, फायदा क्या है? नुकसान के लेट होती है शादी? नहीं लेट शादी करने का सबसे बड़ा नुकसान ये, जब बच्चों पर रोप डालने का वक्त आता है ना तब तक डॉक्टर ने वैसे ऊंचा बोलने से मना कर दिया होता है। नो ये भी है वैसे। नहीं मैं ये 7 बजे उठता है, मैं 7 बजे सोता हूँ। हम हमारी टाइमिंग देखिए, बहुत अच्छी बात है। Let there be spaces in your relationship. अगर आप spaces होंगी ना आपकी relationship में, कम मिला करेंगे तो वो उतनी लंबी relationship नहीं मिलते तो ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब रात में शोज होते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन शो नहीं होता तो मैं रात में जल्दी सो जाता हूँ और सुबह उड़ जाता हूँ। वैसे मेरी तबीयत जो है जागने वाली, जागने वाली, क्योंकि तबीयत आपकी जागने वाली और नीयत आपकी कैसी है? जगाने वाली, जगाने वाली, मैं जगाता हूँ। लोगों ने बहुत, मोहल्ले के लोगों ने काफी कंप्लेंट्स की शहरी में, मैं बात करते रहता हूँ ना। हम वो लड़के जो रात को 3-3 बजे तक सुनते रहते हैं आपका मतलूब नंबर दूसरी लाइन पर मसरूफ है। वो लड़की आपके, आपका आपकी मतलूबा खातून इस वक्त अवेलेबल नहीं है, है ना? आपका मतलूबा आदमी इस वक्त दूसरी लाइन पर बिजी है, अवेलेबल बिल्कुल। ओके ब्रांडेड वॉच है आपके लिए रेबेल की तरफ से, तीसरा सवाल है ये गिफ्ट मंजिल का, पकड़ने एक दूसरे के हाथ की पता नहीं हौसला दे एक दूसरे को। तीसरा सवाल है ये और आपकी स्क्रीन पर अब आएगा वॉच। ब्रांडेड वॉच कीमती टाइम दिखाती है ये आपको, बहुत
जाने का टाइम तो नहीं दिखाएगी शो से? टाइम तो यूएसबी यूएसबी ये तो हमने अपने फोन का नाम भी सोच रहे थे। हां ये इसका है, इसका है उज़्मी से बरकत। नहीं इसका है यूएसबी उस्ताद सलामत बरकत से बरकत तक का सफर। हां जो भी है ठीक है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल सेव बाइट, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन सी है अनलिमिटेड सर्वर बायो, ऑप्शन डी है अनसेव्ड बाइट्स। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? इतनी मुश्किल है इसकी, हम तो बस यूएसबी कह के जान छुड़ा लेते हैं। तुक्का लगाना पड़ेगा भाई इसमें तुक्का ऑप्शन लेना पड़ेगा। नहीं आपके पास लाइफलाइन है, आप लेनी पड़ेगी तुक्का ना लगाइएगा। ये जरा पढ़ा लिखा एजुकेटेड सवाल, दो जवाब देते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। नहीं 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 दो जवाब देंगे तो उसमें कुछ ऑप्शन ले लेंगे। अच्छा अच्छा सी और डी मुझे लग रहा है कि नहीं है तो नहीं नहीं सर्वर सी और बी पहली दफा देख रहा हूं। ये थोड़ा सा ये तो यूएसबी तो आसान सा था, अब उसके पीछे इतनी बड़ी यूएसबी तो बहुत आसान है। हां बोलने में आसान है इसका। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सेव बाइट, यूनिवर्सल सीरियल बस, अनलिमिटेड सर्वर बायो, अनसेव्ड बाइट्स, अनसेव्ड बाइट्स करें। नहीं नहीं ए और बी करें। आप कुछ हेल्प करेंगे? नहीं नहीं अपनी मदद आपके तहत आपके जिंदगी का ये सफर एक दूसरे आपकी जो जोड़ी है यू नो एक दूसरे पे आप सी और बी कर लेते हैं। तुक्का लगा दो बस। दो जवाब देंगे, दो जवाब देंगे ठीक है। लाइफलाइन जो है बिल्कुल आप दो जवाब दें, दो जवाब देंगे क्या? सी और बी। एक मिनट रुक जाओ। सी तो सारे फैसले यही करता है, हमारे शोज होते हैं पेमेंट की बात भी यही करता है, खेलते हैं मगर इस वाले में सी और बी। सी और बी, बी और सी, सी और बी बेहतर, जो बेहतर समझे आप सी और बी कह लें फिर। हाँ सी और सी के लिए आपकी मर्जी है तो आप सी से आ जाते हैं। चले हमने समझ गया, चल चले ऑप्शन जी। अच्छा जी पहली लाइफ लाइन का ये इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों और दो जवाब दीजिए। दैट मींस कि आप दो ऑप्शंस हमारे पास लॉक करवाइए। कौन सी ऑप्शंस लॉक करवाएंगे? सी सी एंड बी, अनलिमिटेड सर्वर बायो एंड यूनिवर्सल सीरियल बस। बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अच्छा जी ऑप्शन बी एंड सी को जरा लॉक कीजिए और कर दे लॉक कर दे। और मुझे ये जवाब गलत लग रहा है। अच्छा बताइए जरा ये जवाब सही है कि गलत? गलत गलत कहा था आपको मैंने, सही जवाब है बी। सीरियल बस। इसको कहते हैं तुक्का। भाई तुक्का लगाया हमने, सीधी बात है, सच्ची बात है। तुक्के लगते हैं वैसे आपके जिंदगी में? तुक्के लगते रहे 13 साल पहले। अकड़ बकड़ नहीं आप लोग करते, क्या करते हैं तुक्के शुके कहाँ लगाते हैं? क्या जिंदगी के फैसलों में इस तरह करते टॉस के लगाने पड़ते हैं? तुक्का लगाया। हाँ तुक्का लगाया था मैंने तो लग गया के लग गया हो गई थी लग गए आपके लग गया तुक्के लग गए तुक्के लग गए और जो आप समझ वो भी ठीक है। तो मेरा नहीं लगा तुक्का। आप क्या आपने नहीं कोशिश की? नहीं, प्लेजर और खुशी से आप गुजर रहे हैं, ये भी गुजरे आपके दोस्त हैं, आपको देख के तो मैं समझ गया था खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, गुजर जाएगा। मैं जो लड़के लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं वो हमेशा सिंगल ही रहते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सिंगल। अच्छा आप सबको बहन कह देते हैं? नहीं नहीं वही था एक खातून ने हमारी शोबिज की हर एक को भाई कहती है। मैंने कहा हर एक को भाई क्यों कहती हो? क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं, मैंने बोला तुम्हारा तो शौहर भी नहीं है। तो इसलिए नहीं है ना? हाँ इसलिए नहीं है। लेकिन कई तो भाई नहीं होते ना, वो बस भाई होते हैं। भाई तो बहुत जरूरी है जिंदगी में, तुक्के बहुत जरूरी भी जरूरी है। लेकिन जब आपका तुक्का नहीं लगता तो फिर आप कैसा महसूस होता है? जाहिर सी बात है, एक तो पहले ही आपने सोच लिया होता है कि तुक्का लगा रहे हैं, या तो लगेगा या तो नहीं लगेगा। तुक्का बंदा लगाते ही इसलिए, तो लग गया तो बड़े बल्ले बल्ले, वरना तो नहीं। तो कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। ठीक है गिफ्ट मंजिल चौथा सवाल 40 इंच LED आई स्टैक की तरफ से ये आपके लिए है। और ये चौथा सवाल आपकी स्क्रीन्स, इट विल कम ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। पाकिस्तानी कौमी तराने के बोल में कौम अख़ुवत अवाम के बाद क्या आता है? ये आया है ना मुश्किल सवाल। परचम सितारा लाल पाइंदा ताबिंदा बाद तू निशाने अज़्म आली शान कौमुल सल्तनत, कौमुल सल्तनत, कौमुल सल्तनत। डी हमने पढ़ लिया थी, पढ़ लिया थी, हमें याद है। वैसे अमूमन नहीं आता होता पूरा तराना, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे, जो सुबह स्कूल में जो असेंबली होती थी ना उसमें तराना सोते हुए यूं करके सबसे तेज आवाज होती थी। मेरी तो सबसे तेज आवाज होती थी। बहुत पढ़ा है तराना, अभी भी जब आता है तो जहर से बस पुरानी याद है लगा। शुक्र है तराने होने चाहिए जो सुबह सुबह जब चैनल पे उठ जाए बंदा। कसम से पहले होता था हमारे पीटीवी पे, तो पीटीवी पे होता था। ऑप्शन ये डी 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 ये तो हाँ भाई आना चाहिए ना ऑप्शन डी सल्तनत। डी कौम मुल्क सल्तनत आप कह रहे हैं। दा ताबिंदाबाद शानबाद मंजिले मुराद। वाह 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 क्या बात। ऑप्शन डी बताइए, इज दैट द राइट आंसर या ये गलत जवाब है? डी है, नामुमकिन गलत नहीं है। सही है सही है सही है।
लेकिन हम जरा सस्पेंस इसलिए कायम रखेंगे कि सवाल बहुत मुश्किल था और हमारे में से किसी को उसका जवाब नहीं पता. छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आते हैं. स्टे विद अस. ब्रेक पे जाने से पहले हम तराने की बात कर रहे थे. आपने ऑप्शन डी लिया है. कौम मुल्क सल्तनत. कौम मुल्क और सल्तनत इनमें क्या फर्क है? कौम मुल्क और सल्तनत क्या होती है? हम तो कौम तो वैसे है ही नहीं. हाँ. हम तो अवाम है. हाँ. हम तो कौम बन ही नहीं पा रहे. क्या मसला है हमारा? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है हमारा, कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है? किस हम जाएं उस पे? और ये अब जो बनने जा रही है वो सल्तनत बनने जा रही है. पहले मुल्क तो पहले नहीं थी. पहले मुल्क था. अच्छा पहले मुल्क था. कह रहे मुल्क मुल्क पाकिस्तान. अब सल्तनत क्योंकि रियासत है मदीना. ठीक है जी. तो इसका मतलब है कौमी तराने में उन्होंने ऑलरेडी पहले से पहले बता दिया था कि ये होने वाला है. अभी जाने साहब को पता था कि ये होने वाला है. ये होने वाला है. वाह वाह होने वाला है ना. तो इसका मतलब है कोडेड था. ये तराना जो है कोडेड है. उसको जरा अनकोड करें तो फिर पता चलेगा. जी कौम मुल्क सल्तनत ऑप्शन डी बताइए. ये जवाब सही है कि हम शर्मिंदा होने वाले हैं? और ये सही जवाब है. वेरी गुड. हमारी ऑडियंस में से अगर हमारे गेस्ट से कोई मजाक करना चाहे या कोई सीरियस बात करना चाहे, कोई सवाल पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं. मुझे बता दीजिएगा इफ यू वांट टू आस्क समथिंग. जी गिफ्ट मंजिल आपने मुबारक को तय कर ली है. ओए ओए बहुत क्या बता लिया. यकीन नहीं आ रहा मुझे. हमें भी नहीं आ रहा. मैंने सोचा था कि आएंगे तो मैं बातें ज्यादा करूंगी. यू नो जरा हम करेंगे और सवाल में बीच बीच में आराम से तक इज्जत रह जाए. गेस्ट आए हैं ऐसे ना हो के ये खुशियां बहुत जरूरी है. इससे किसी ने भी खुशियां क्या होती है? क्या कह रहा है? एक तो मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, दूसरा मैं शादीशुदा हूं. इसके बाद तो हर चीज खुशी लगेगी. हर चीज खुशी. इसके इसके बाद तो हर चीज खुशी लगेगी. सही बात है ना. ये भी अच्छा. गिफ्ट मंजिल आपने तय कर ली है. बहुत मुबारक हो. दो आपके पास अभी लाइफ लाइन बाकी है और फिर हम पहुंच गए हैं ऐश मंजिल पे. अगर आपने इसका पांचवें सवाल का सही जवाब दिया तो हाँ लेकिन ये अंग्रेजी वाला भी हो सकता है. उर्दू वाला ऐश है. ये अंग्रेजी वाला भी हो सकता है. ऐश राख 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 है ना. ऐश पांचवा सवाल. ये ऐश मंजिल का पांचवा सवाल है और ये आपकी स्क्रीन पर आएगा अब. दुनिया की वो वाहिद शख्सियत कौन है जिसकी जिंदगी में ही इसके नाम का स्विस कॉइन जारी कर दिया गया था? फिर मुश्किल सवाल. बड़ा ये मुश्किल जरा सवाल है. स्विस कॉइन उन्होंने जारी किया था. आपकी ऑप्शन है आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, ऑप्शन बी है बिल गेट्स, ऑप्शन सी है रॉजर फेडरर और ऑप्शन डी है क्वीन एलिजाबेथ टू. स्विस कॉइन तुक्का लगाना पड़ेगा भाई. फिर तुक्का है ना. ये जरा बिल गेट्स तो हटा दो. बिल गेट्स नहीं. क्यों? तेरा दोस्त है? नहीं नहीं यार कुछ मतलब नहीं. बिल गेट्स नहीं है. दुनिया के अपने अपने बड़े कॉइन उसने अपने खुद ही बना लिया होगा ना. वो तो नाम बना सकता है. स्विस कॉइन जारी किया गया. स्विस कॉइन बिल गेट्स और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बिल गेट्स रॉजर फेडरर एंड क्वीन एलिजाबेथ. क्वीन एलिजाबेथ नहीं. हां नेगर जरूरत ही नहीं होगी ना. और अगर आपने किसी पॉइंट पर जाके क्विट किया कि जी मैं क्विट करना चाहता हूँ, ये गेम छोड़ना चाहता हूँ, तो उस सूरत में पिछले सवाल पे अगर आपने कोई सही जवाब देकर कोई चीज जीती हो तो वो आपको मिलेगी. मिलेगी. और गलत जवाब पे सिर्फ दुआएं मिलेंगी आपको. बरकत साहब आइए खेलते. अब वो तो खेले अब जरा. हाँ बिल गेट्स हटा दो. आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ये दोनों हटा दो. इन दोनों में से देखो बस. ये दोनों आपको पसंद नहीं आ रहे हैं ना? अगर नहीं नहीं दो ये दो सी एंड डी रॉजर फेडरर भी एरिया है. क्या है रॉजर रॉजर फेडरर भी यार ये टेनिस स्टार है ना. सी ओ डी. हां 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 सी ओ डी. ये सी डी में से नहीं सी डी में से. अब आपने एक चूज करना है क्योंकि दो जवाब दीजिए. वो ऑप्शन आप यूज कर चुके हैं. अच्छा हम करते थे जैसे स्कूल में आता था ना तो वो आंखें बंद करके टिक कर दिया. हां अकड़ बकड़. हाँ अकड़ बकड़ किया यहाँ पे मेरे पास लोगों ने आके. हाँ अच्छा आप मुझे बताएं कि आप लोग यू नो आपके शोज करते हैं और आप लोगों का फेवरेट कॉमेडियन कौन है जिस पे आप लोगों को हंसी आती है शीशे के अलावा? सब सारे बहुत सारे सारे पंजाब के जितने आप देख लें. पंजाब का माशाल्लाह क्या बात है. उसके लिए तो तालियां. सीरियसली
हम तो ज्यादा उन्हीं का काम लेके भेजते हैं और ये हम उनको कह चुके हैं, ये बात सोहेल अहमद साहब हैं, अमानुल्लाह साहब हैं, आम जो गुफ्तगू है ना आम जिंदगी में ऐसी बात निकल आती है, जुगत के बगैर है ही नहीं, खाना नहीं हजम होना, खासतौर पर फैसलाबाद, और वो जो बात ही हमारी जो वो जो बोलते हैं वो पंच है और हमें पंच बनाने पड़ते हैं, ये फर्क है। आप जरा बताइए ये स्विस कॉइन जो है वो किसके जिंदगी में ही उसके नाम कर दिया गया था, सी डी में से ए और बी तो नहीं ना, ए बी तो हटा दो बिल्कुल, तुक्का लगाते हैं, ये फेडर भी एरिया कर दो, रॉजर फेडर भी एरिया, फेडर भी है जो भी रॉजर फेडर ये कर लो, सी क्वीन एलिजाबेथ, सी सी क्वीन एलिजाबेथ 2, एलिजाबेथ 2 2 क्वीन एलिजाबेथ 2 हां 2 वो पहले अभी वाली, अभी वाली ना, नहीं नहीं रॉजर फेडर भी एरिया, यही कर दो क्योंकि मैं फेडरल भी एरिया गया हूं, मैं यही करते बस, हां आप देख रहे हैं ये तो कहा, ये तो वही रहता है ना फेडरल भी एरिया में, यही करते बस, मेरा दिल गहरा हां, और आपकी जिंदगी में कोई क्वीन है नहीं, अच्छा हां तो ये बस ये आप फिर ऑप्शन सी ले रहे हैं, मैं सी 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 अच्छा जी ऑप्शन सी लॉक कीजिए, ऑप्शन सी हमने लॉक कर दिया है क्योंकि ये फेडरल भी एरिया से हैं तो इनको इसलिए ये कैसे 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 किसी बातें लोग करते हैं और कैसे कैसे, लेकिन ऐसा तो कल लग भी जाता है, और अगर लग गया और अगर ये ना लगा तो फिर खुदाफिस है, वही फेडरल बी एरिया, मतलब फिर आप जाइए वापस फेडरल बी एरिया, लेकिन यहां से सीधा सफर आपका फिर फेडरल, एक मिनट वेट ना करें प्लीज प्लीज, बीइंग ऑफिसर आप सुने लगाने दो तो कहीं, आपको पता तो है नहीं, मुझे भी नहीं पता इसका, बिल गेट्स नहीं, बिल गेट्स कौन थे, फूफो का लड़का है, लॉक हो गया बेटा, अब लॉक हो गया, अच्छा लॉक हो गया, लॉक हो गया, काम खत्म हो गया, शायद आप चलें, नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, बात की टेंशन पहले, नहीं नहीं अब तो हो गया, अब तो फिक्र नहीं, अब तो अल्लाह पे डाल, चलें चलें जी चलें जी, ऑप्शन सी बताइए कि ये हमारे साथ बैठेंगे अभी कुछ देर कि हम इनको भेजें वापस फेडरल बी एरिया, लालू खेत से होते, आपने दूसरे दो गेस्ट को बुलाए नहीं, इसका मतलब कोई नहीं, हम लोग ही, मैं अकेली बैठ के बातें कर लूं, रॉजर फेडरल बी एरिया जी, ऑप्शन सी बताइए, हम लोग दुआएं कर रहे हैं कि ये जवाब सही हो, हाँ अच्छा कुछ इंग्लिश के वर्ड ऐसे वो फंसते हैं ना, हाँ बिल्कुल, अच्छा आप, आपके तो सारे फंसते हैं, कच्चा पापड़ पका पापड़, इंग्लिश आप जितने भी बोलो ख्वाब हमेशा उर्दू में ही आते हैं, हाँ क्यों हाँ, ऐसा क्यों है, नहीं नहीं मुझे सबटाइटल भी कई दफा आ रहे होते हैं, ख्वाब में ये कौन भेज रहा है ख्वाब सबटाइटल लगा के, फिल्म कई दफा आपके जो ड्रीम होता है जो फिल्म चल रही है तो उसके अंदर भी कोई फिल्म चल रही होती है, सही कह, ड्रामे के अंदर भी ड्रामा चल रहा है, ड्रामे के अंदर ड्रामा चल रहा है, इसका तो बताइए खुदा के लिए बता दें हमें कि इसका सही जवाब क्या है ताकि हम अपनी जिंदगी के फैसले कर सकें, अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, फरमाइए, अगर ख्वाब में शादी हो जाए तो वलीमा दिन में रखना चाहिए या रात में, वलीमा भी वही करा लें इसको ख्वाब ही रहने दें उनके उनके ख्वाब सबटाइटल के साथ आते हैं ख्वाब ही रहने दें, अच्छा चार दिन की जिंदगी में शादी वाला दिन कौन सा होता है, आखिरी क्योंकि उसके बाद तो जिंदगी खत्म हो जाती है, अच्छा हाय हाय, अच्छा कामयाबी पूरा जिस्म छोड़ के कदम ही क्यों चूमती है, पता नहीं क्योंकि वो आपके कदम और टांगे खींचना चाहती है, अच्छा जब हम किसी से बहस कर रहे होते हैं और वो बहस जब खत्म हो जाती है उसके बाद ही अच्छा जवाब आते हैं, क्यों आते हैं, ये भी है, यू नो यू नो, और ये भूत लोग जो सफेद कपड़े पहनते हैं ये उनको खरीद के कौन दे रहा है, ये आप मुझे बताएं कि आपने कहां से खरीदे हैं, अच्छा मारिया जी जब पैरों से खरीदा है, कहां से खरीदा है, पैरों के नीचे से जब जमीन निकल जाती है तो इंसान काय पे खड़ा होता है, अच्छा लोग परिंदों का शिकार सुबह ही सुबह क्यों करते हैं, बाद में क्या परिंदों को ऑफिस जाना होता है, नहीं उन्होंने सो जाते हैं ना इनकी तरह 7 बजे रात को सुबह रात को 7 बजे, और ये परिंदे सोने के बाद दरख से गिरते क्यों नहीं है, ये मुझे नहीं, कैसी बात है, प्लीज बताएं यार ये क्यों नहीं गिरते, अच्छा ये जबकि हम लोग तो नजर से गिर जाते हैं, वाह वाह वाह, हाय 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 हाय, अच्छा मारिया जी ये जो एल्फी होती है अपनी बोतल में क्यों नहीं चिपकती, ये भी मैंने बड़ा सोचा इसके बारे में, वो समझ बॉन्ड वो क्यों नहीं चिपकती भाई, अपनी बोतल में नहीं चिपकती, नहीं निकालो फौरन, ये यूज भी करके देखा, ये जिस चीज को आप जोड़ रहे होते हैं उसको भी नहीं चिपका रही होती, सीरियसली वाह वाह, ये रिश्तों की बात, आपने आज की दर्द दिलों के कम हो जाते हैं, दर्द दिलों के कम हो जाते हैं अगर कुछ रिश्तेदारों के मुंह बंद हो जाते हैं, और देखते हैं कि ये पीली बत्ती हरी होती है कि नहीं होती है, बताइए, और सही जवाब है, तुक्का लग गया, वाह वाह, फेडरल बी एरिया आपके काम आ गया, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, ऐसे ऐसे तुक्के लगाए जाते हैं, कहां से किस चीज का कलेक्शन निकालते हैं लोग ना, क्या बात है ना, तुक्का लगाते हैं, वो फेडरल बी एरिया में रहता है ना ये, अल्लाह का नाम लेके जोड़ दो, जहां रहता हूं वहीं जोड़ो, बिल्कुल, लेकिन जुड़ गया अल्लाह मियां के साथ, क्या ये हर चीज पे हम कह देते हैं, अपनी गलती भी हो या तुक्का भी हो तो फिर अल्लाह मियां
यू नो वेटिंग फॉर अल्लाह ही है ना। हाँ। जो आपके बस की बात नहीं हो आप अल्लाह पे छोड़ो, अल्लाह पे वो ज्यादा बेहतर, बिल्कुल वो आपके लिए बेहतर करेगा। हम तो हर चीज जो कर सकते हैं वो भी कहते हैं बस, है ना। तो क्या आप लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, देखते हैं क्या? क्रिकेट तो पैदाइशी बॉलर, ये पैदा हुआ डॉक्टर ने देखते ही बोल दिया गुड डिलीवरी। हमारी कौम ने आधा वक्त क्रिकेट देखने में और आधा वक्त लाइट आने के इंतजार में जाया कर दिया। हाय हाय हाय, आप मुझसे तो ये, मैं तो यही बातें करूंगा क्या करूं? और अभी आप क्रिकेट की बात, दुख हमारे क्रिकेटर ने अपनी बीवी से चाय मांगी, उसकी बीवी ने प्लेट में चाय डालकर दे दी। वो क्रिकेटर कह रहा कप में डालकर दो ना, उसकी बीवी कह रही कप तो कोई भी मुल्क ले जाएगा, इसमें पीने की आदत। बिल्कुल सही बात है। और अभी जो हमारी परफॉर्मेंस थी उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर बात ना करें, नहीं करें उस पर बात ना क्यों नहीं? तो बहुत तपा हूं मैं। क्यों भाई? मैं पक्का पाकिस्तानी हूं पहले। अच्छा, उसके बाद फिर पक्का कराची वाला। सरफराज की बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। अब क्या फवाद आलम वापस आ रहे हैं मेरा ख्याल है शायद। अच्छा, 10 साल बाद उन्होंने दोबारा क्रिकेट लिए। ये क्रिकेट जो है ये क्रिकेट कब हुई? क्रिकेट 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 हाँ नहीं, यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं क्रिकेट बोला जाता है, कहीं क्रिकेट बोला जाता है। हम लोग क्रिकेट को क्रिकेट समझ के खेलते हैं। हाँ, क्रिकेट क्रिकेट सही कह रही हैं आपने, बिल्कुल सही वर्ड बोला। आप क्रिकेट को क्रिकेट समझ के खेलते हैं। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, अबे क्रिकेट खेलना ये भी होता है। हाँ, क्रिकेट सही। अच्छा आगे चलते हैं जी, हमारे पास है 150,000 कैश आपके लिए। हाँ जी, ये कैश जो है कहीं ऐश ना बन जाए। छठा सवाल ऐश मंजिल का, इट विल कम ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। मशहूर आर्केड गेम सुपर मारिया ब्रोस सबसे पहले किस मुल्क में रिलीज किया गया था? खेला बहुत है। आप सब जज्बात से खेलते हैं? हाँ, खेला तो बहुत है। या आप खेलते हैं, देखा गेम्स भी खेलते हैं क्या? खेल खेल में आपको पता है कि बड़ा कुछ हो जाता है। जाहिर सी बात है, जापान यूएसए दूसरा भी खेल के चला जाता है, पता नहीं चलता। कनाडा, जापान यूएसए कनाडा या चाइना? नहीं कनाडा तो नहीं है, वहां तो मेरी कजन रहती है। यूएसए भी नहीं होगा, तेरी बहन रहती है। ये क्या बात हुई? नहीं ये कनाडा यूएसए नहीं है। ऐसी ऐसी कनाडा यूएसए नहीं है। अच्छा आर्टिकल, ये तो मुझे पता है। सुपर मारियो सबसे पहले किसे? ये जापान और चाइना। सुपर मारियो तक तो मेरे तक रह गए, आगे जो उन्होंने ब्रोस लगा दिया है ना, ये जरा बस सुपर मारियो वासी। चाइना, चाइना ने इतनी तरक्की कर ली है कि चाइनीज अपने बच्चों को देखकर बोल रहे होते हैं नहीं मेरा नहीं चाइना का, कितने तरक्की कर ली है। बिल्कुल, यानी कि जो चीज ओरिजिनल बनाए उधर ही उसका डबल कॉपी भी खुद ही बना लेते हैं। अभी देखिए जापान की बात करते हैं, जापान का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर एक ने किया तो मैं भी करूंगा, और अगर एक ने भी नहीं किया तो मैं तो जरूर करूंगा। हम पाकिस्तानी का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर एक ने किया तो उसी को करने दो, और अगर एक ने भी नहीं किया तो मैं क्या करूंगा। ये है भाई, कनाडा यूएसए नहीं है बरकत, क्योंकि शादियों के बारे में तो ये नहीं कहते। किसके शादियों के बारे में तो ये नहीं कहते हैं कि उसने की है तो मैं अब क्या करूंगा करके, और उसने अगर नहीं की तो मैं क्यों ना करूं। सिर्फ शादी ही ऐसा जख्म है जिसमें हल्दी पहले लगाई जाती है और जख्म बाद में लगते हैं, और बाद में नमक। हां तो बीवी छिड़कती है। आप शादीशुदा आदमी हैं, आप कुछ मैं क्या क्या करूं, मतलब कूद जाऊं कुएं में? आप हम ताज़ियत कर रहे हैं, आप आपकी अपनी नहीं हो रही तो क्या करूं? अफसोस तो करने दें, अपनी नहीं हो पा रही तो मेरे ऊपर शादी 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 यार। आप करा दें इनकी, करा दें। हां नहीं करा तो दूं फिर आगे के मामला। नहीं देखिए शादी वक्त पे कर लेनी चाहिए, मैं बात सच है, क्योंकि मेहंदी मेहंदी दुल्हन के हाथों पे अच्छी लगती है, ना कि दूल्हा के बालों पे। हां ये भी है वैसे, जब भी मैंने गली में तो मुझे पता मेरे बाल ही नहीं है। अच्छा, तो इस किस्म की प्रॉब्लम से मुबर्रा है ये, इनको कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। मशहूर आर्केड गेम सुपर मारिया ब्रो सबसे पहले किस मुल्क में रिलीज किया गया था? जापान यूएसए चाइना या जापान बनाता, ये बात तो है दोनों में से, चाइना जापान। इस तरह की हरकतें ये लोग करते हैं, है ना, इस तरह की हरकतें करते हैं। अभी दो लाइफ लाइन, दो लाइफ लाइन भी है हमारे पास, कॉल किसे करें भाई? सवाल तब्दील भी नहीं, लेकिन सवाल तब्दील नहीं, चाइना जापान है, नहीं आसान है ये, चाइना जापान में से एक है, कनाडा यूएसए तो नहीं है, जापान। फिर सवाल सुन लो, देख सवाल सुन ले, दस मशहूर ये 1.5 लाख रुपए अगर आप जीतेंगे तो करेंगे क्या इसका, जरा ये तो बताएं। हम निकल जाएंगे अपना स्विट्जरलैंड ही निकल जाइएगा फिर सीधा स्विट्जरलैंड। ये तो थाईलैंड फैमिली के साथ जाता है, इतना शरीफ आदमी। शरीफ आदमी आप, इतने शरीफ आदमी। ये तो फैमिली ने भी इस बात की बड़ी कंप्लेन की है। नहीं एक दफा अकेला गया था, उसने कहा आप तो कमर्शियल करने गए थे ना, आप तो नहीं तो बेगम ने कहा मुझे क्यों नहीं ले जा रहे, मैंने कहा पगली रेस्टोरेंट में भी कोई टिफिन लेके जाता है। तो इस पे क्या हुआ, टिफिन ही आया होगा सर पे, यही आया होगा टिफिन सर पे सीधा, उसी के बाद ये हाल हुआ। अच्छा जी, जापान जापान ला जापान जापान चाइना जापान पक्का चाइना जापान मुझे लग रहा है, मैंने कहीं पढ़ा, मुझे याद। आप लोग सोचें भाई, हम एक छोटी सी ब्रेक लेकर आते हैं, स्टे विद अस।
after the break. और break पे जाने से पहले इन दोनों में लड़ाई हो रही थी कि चाइना है कि जापान है कि जापान है कि चाइना है, एंड यूएसए एंड कनाडा आपने अपनी जिंदगी से निकाल दिए. निकाल दिया मैं अपनी जिंदगी से. निकाल ही दिया क्योंकि हमारे रिश्तेदार रहते हैं. यही वजह होगी या आपकी शायद वहाँ पे कोई बात ना बनी इसलिए. दूसरा वाला ऑप्शन है ना, दूसरा वाला. बहुत लंबी कहानी, किसी ने आपको सोलो बुलाइएगा शो में अकेले. अच्छा, और फिर इनको बिठा दूँ और खुद चली जाऊँ. नहीं तो क्या, छोड़ देना. शादी के क्या जख्म है, जख्म क्या है, क्या है, बता दो, बता दो. देखिए बात यह, मैं मारिया जी, मैं आपको सच्ची सच्ची बताना चाहता हूँ. क्या कैनेडा और यूएसए नहीं है सी और बी ऑप्शन नहीं. लेकिन आप लोग तो आपस में भी ब्रेक में लड़ रहे थे. वो कह रहे हैं जापान, वो कह रहे हैं चाइना. जापान चाइना में से भी नहीं, थोड़ा डाउट हो रहा है. आप क्या कह रहे हैं? जो कह दिया ठीक है. अगर उन्होंने जिंदगी का कोई ऐसा फैसला किया जिसमें बहुत बड़ा कोई नुकसान हुआ तो फिर आप क्या करते हैं? ऐसा हल्की हल्की आवाज में ताने नहीं देते. नहीं, नुकसान होता है दोनों का ही होता है और फायदा दोनों का होता है. अल्लाह का शुक्र, ये बड़ी अच्छी बात है. नहीं, नुकसान भी तो फिर दोनों का, दोनों का होता है. नुकसान भी बहुत हुए, नुकसान बहुत हुए, और लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसमें अफसोस नहीं है. हमारे हर काम में अल्लाह की बेहतरी है. हम कहते हैं कि नसीब से नसीब जोड़ो ना, नसीब अपना अपना जैसे ट्रक पे लिखा है. आइए आप चाइना पता करें बस, अल्लाह बेहतर. नहीं, जापान, जापान. आप जापान जा रहे ना, आप चाइना बोले जा रहे जब से. जापान आप आपकी बात रख रहा हूँ पूरे ब्रेक में. चाइना जापान जापान कर यार, बिकॉज जापान. अच्छा, कनाडा यूएसए क्यों नहीं? कनाडा यूएसए में जा चुका हूँ, जो जापान में अपना शो नहीं हुआ हमारा. अगर तो जापान और चाइना ही कर. जापान में अगर आपका शो हो, ओहो ओहो, सारे चाइनीज में, सारे चाइनीज होते हैं. अच्छा, वो चाइनीज की जितनी पूरी आंखें खुलती है, चाइनीज की जितनी पूरी आंखें खुलती उतनी तो हम रात को खुलकर मैसेजेस पढ़ते हैं. बिल्कुल, थोड़ी सी ना. बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं. क्या आप देखिए, आपके पास ऑप्शन ये है कि या आप ऑप्शन है आपका या. अच्छा, अगर हम सवाल के जवाब हमारा गलत हुआ तो फिर बाय बाय. और नहीं तो इनामात जो है वो नहीं, 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 नहीं. अगर आप इस वक्त क्विट करते हैं तो आप गिफ्ट मंजिल के ये सारे इनामात जीते हुए 5000 कैश ज्वेलरी सेट ब्रांडेड वॉच एंड 40 इंच जीते हुए. देखो, गलत जवाब आप देंगे तो कुछ नहीं. नहीं, अगर अभी हम क्विट करें तो ये इनामात तो है. अच्छा, बात ये है कि सारे मुश्किल सवाल आ रहे हैं. जो ऑप्शन हमारे पास जो लाइफ लाइन है वो भी यूज करने का कोई फायदा नहीं है. फोन तो करना नहीं किसी को. आपका फोन ही किसी ने. हमारे दो तीन दोस्त है, यासीन है, शुएब है, दानिश. शुएब है, नोमी है, नोमी है, दानिश है. ये करवा देंगे. मैं सही बता रहा हूँ, शुएब को तो करना ही नहीं. बिल्कुल, वो गलत जवाब बताएगा. और यासीन को क्या, मेरे को क्या पता. शुएब मेमन गड़वा देगा भाई. नोमी सही बता देगा. किसी ने नोमी को पता ही नहीं होगा. कहाँ पूछेगा फोन पे, किसी पूछ लेगा. अभी इतनी सारी चीजें मिल रही है. 5000 सही है. कोई ब्रांडेड वॉच, ठीक है ठीक है, ये बहुत है हमारे लिए. इसमें अपनी जिंदगी आसानी से गुजार लेंगे. मारिया गिफ्ट मंजिल, आप बस क्विट करें. क्विट करेंगे नहीं. अगर अच्छा ये मिलेगा, 1,50,000 मिलेगा. ये तो अगर नहीं मिलेगा ना, क्योंकि अगर आपने अभी गलत जवाब दे दिया या सही जवाब देंगे तो मिलेगा ना. गलत जवाब पे तो इससे पहले वाली चीजें मिलेंगी सारी. अगर आप क्विट करते तो भाग तो हम ऐसे जाते हैं ना, क्विट करने में कितनी देर. देखिए मैं अच्छा मैं क्विट कर दिया जवाब, लेकिन चाइना दे देते हैं. ठीक है, अच्छा क्विट कर लिया, लेकिन अब आप चूज करें. अब देखते हैं के चूज करें, देखते हैं कि आपका तुक्का लगता है या ना लगता. चाइना 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 सही है. नहीं, दोनों का एक एक जवाब. नहीं नहीं, चाइना चले, चाइना चले, चले. तो चाइना कौन कह रहा है, जापान कौन? लेकिन मैं शुरू में जापान कह रहा था. मैं नहीं नहीं, आप बताएं आप क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं. दोनों जवाब लॉक. आप चाइना कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? मैं जापान कह रहा था. चले भी चाइना और जापान दोनों लॉक करें और जरा देखते हैं कि किसका जवाब सही है. हाँ जी, दोनों लॉक करें, चाइना और जापान. और आप हमें बताइए और इनको थोड़ा सा लड़वाइए कि इनमें से कौन सा जवाब सही है. जापान वाज द राइट आंसर. Japan was the right answer. देखा अब कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं आप गलत जवाब. तो मैं ही कर रहा हूँ, वो तो महसूस कर रहे हैं.
क्यों महसूस नहीं कर रहे? अभी तो कुर्सी से नीचे आ गया मैं। अल्लाह की बेहतरी है, अल्लाह की तो बेहतरी है, लेकिन मैं कह रहा था तुझे तो इनाम मिल गया, बहुत चलो हाँ अल्लाह का शुक्र। हम लोग सबर शुक्र करने वाले लोग हैं, वैसे अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बाकी चीजें मिल जाती है नॉर्मल। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। तो आप अगली दफा दोबारा आइएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे। सेम यार, ऑडियंस का शुक्रिया कि उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि अगर आप सवाल पूछते तो फिर ये प्रोग्राम का टाइम पता नहीं कहाँ चला जाता। और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जोर जोर, बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो आई नो। तो फिर अगला प्रोग्राम हम अंग्रेजी में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और अंग्रेजी याद करके आऊंगा। हां बिल्कुल याद करके आइएगा। मेरा को भी बुलाइएगा ना, जाहिर है वो तो उनको तो बुलाना पड़ेगा। इंग्लिश और वो तो सासा, बिल्कुल बाबा है, सासा है हमारा, बिल्कुल मामा इंग्लिश। अच्छा जी, हाँ वो आप लोग डिसाइड कर लें आपस में कि कौन मामा है कौन बाबा है। इसके साथ ही जी हमारे एपिसोड का वक्त खत्म होता है। आई होप यू एंजॉयड इट, एंड इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए। और आप कभी रोते हैं, कभी रोना आया? नहीं, हमारी तो यही दुआ है कि सब हंसते मुस्कुराते रहें। आपसे अगले एपिसोड में कुछ प्रॉपर गेस्ट्स, सीरियस कैंडिडेट्स, सीरियस हमारे जो कंटेस्टेंट्स, और सीरियस जवाबों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अपना